लगातार हो रही भारी बारिश होने के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण नदी से सटे निचले इलाके के घर बाढ़ के पानी से घिर चुके हैं। प्रशासन द्वारा पहले ही भारी बारिश होने की चेतावनी दे दी गई थी। आपको बता दें, भारी बारिश से नदियों के जलस्तर में काफी वृद्धि हुई है। आसपास के नाले, तालाब, पोखर सभी पानी से लबालब भर चुके हैं। जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी होने से बाढ़ का पानी निचले इलाकों में इस कदर फैलने लगा है कि अब लोगों को आवागमन में भी दिक्कत होने लगी है। इस संबंध में आपदा प्रबंधन अधिकारी गौतम गुप्ता ने बताया कि भारी वर्षा के कारण राप्ती, रोहिणी और कुआनो नदियों का जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ चुका है। वहीं मंगलवार की शाम की जो रिपोर्ट आई है, उसमें नदियों के जलस्तर की घटने की बात कही जा रही है। उन्होंने बताया कि अभी तक तहसीलों से जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है, उसमें 26 गांव आंशिक रूप से प्रभावित हैं, जिसमें एक गांव पूरी तरह से मैरुंड है। सभी जगहों पर राहत कार्य के लिए पर्याप्त मात्रा में नावें लगाई गई हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आपदा प्रबंधन अधिकारी गौतम गुप्ता ने कहा, देखिए इस समय जो विगत कुछ दिन पहले जो बारिश हुई थी, तो पूर्वांचल के काफ़ी क्षेत्रों में ये वर्षा रिकॉर्ड की गई और भारी से अधिक भारी वर्षा थी। और चूंकि नेपाल के क्षेत्रों में भी, पहाड़ों पर भी काफ़ी वर्षा हुई है, तो अगर आप पूरा नदियों का ट्रेंड देखें तो अयोध्या में घाघरा नदी खतरे के बिंदु से नीचे है, लेकिन तुर्ती पार पर वह खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। उसका रीज़न सिर्फ ये है क्योंकि जो हमारी पूर्वांचल की जो नदियाँ है, जिसमें मुख्य रूप से राप्ती है, रोहिणी है और आपकी कुआनो है, ये सब नदियों में पर्याप्त जल है, क्योंकि वर्षा का जल है ये पूरा। तो इस रोहिणी नदी में अचानक हम लोगों ने तकरीबन 2.25 मीटर जलस्तर उसका बढ़ा था और डेंजर लेवल को उसने क्रॉस किया। अभी भी रोहिणी नदी डेंजर लेवल से ऊपर बह रही है, राप्ती भी डेंजर लेवल से ऊपर बह रही है। तो ये जो कुछ दिनों पहले जो वर्षा हुई थी, ये उसी का परिणाम है। लेकिन आज से हम लोगों ने, अभी शाम की जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार, अभी थोड़ा थोड़ा नदियां घटना प्रारंभ हो गई हैं और अब नदियों में घटाव दर्ज किया जाएगा कल के बाद से। जलस्तर बढ़ने को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया था। क्या गोरखपुर में कोई नदियाँ ऐसी हैं कि जिनके आस पास के गाँव प्रभावित हुए हैं? देखिए, अभी टोटल जो तहसीलों से रिपोर्ट जो प्राप्त हुई है, तकरीबन 26 गांव हैं जो कि आंशिक रूप से प्रभावित हैं। उसमें 26 में से एक गांव जो है वो मैरूंड है, बाकी पूरे 25 गांव जो है वो आंशिक रूप से प्रभावित हैं। लेकिन एहतियातन तौर पे नावें लगा दी गई हैं सुरक्षित आवागमन के लिए, लेकिन अभी ऐसी कोई अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है। लगातार पुलिस विभाग, राजस्व विभाग और सिंचाई विभाग की संयुक्त टीम तटबंधों की मॉनिटरिंग कर रही है। जहाँ कहीं भी कहीं सीपेज या किसी चीज़ की सूचना प्राप्त हो रही है, तत्काल उस पर कार्रवाई हो रही है। प्रभारी जिलाधिकारी महोदय ने समस्त विभागों को हाई अलर्ट भी जारी कराया है, ताकि सभी लोग अपने अपने स्तर पर तैयारी पूरी किए रहें। यदि कहीं किसी तरह की कोई आवश्यकता पड़ती है, तो वहाँ पर तत्काल हम लोग राहत सामग्री या अन्य संसाधन उपलब्ध कराएंगे।